एवरीवन, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का टॉपिक है गाइस, ओवुलेशन का ना होना। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक सवाल सबसे ज़्यादा हो रहा है कि मैम, ओवुलेशन हमारा होता ही नहीं है, या ओवुलेशन होता है तो हमको कैसे पता चले कि हमारा ओवुलेशन हो रहा है। तो इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, बट ओवुलेशन होता ही जिनको नहीं है उनका रीज़न क्या हो सकता है और इससे हमको क्या क्या समस्याएँ हो सकती है। और जो महिलाएँ प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं डेफिनेटली वही ओवुलेशन को ट्रैक करती हैं, तो परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है और इस परेशानियों से कैसे निकल सकते हैं। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर। ओवुलेशन का ना होना, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है हमारी बॉडी में हार्मोन का बैलेंस ना होना। हार्मोन जब इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं तो अंडा ना बनना, अंडे का ना फूटना, इसके रीज़न होते हैं सबसे पहला आपके बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होना। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या है तो आपको ये सारी सिम्टम्स आएगी, या आपके अंडे नहीं बनेंगे, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, आकार ख़राब हो जाएगा और अंडा फूटेगा ही नहीं, बन भी गया तो फूटेगा नहीं। और एलोपैथिक में क्या होता है कि अंडे को फूटने के लिए इंजेक्शन दी जाती है जिससे कि अंडे फूटते हैं, लेकिन हर एक प्रोसेस अगर आप मेडिकली डिपेंडेंट रहते हो तो आपकी बॉडी क्या काम कर रही है, आपकी बॉडी उस चीज़ को नहीं कर पाती है। तो आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से ये सारी दिक्कत आपको सामना करनी पड़ सकती है, या फिर आपको PCOS या PCOD की समस्या है तो भी आपको अंडे ना बनना ये एक आम समस्या हो जाएगी, क्योंकि PCOS और PCOD दोनों की समस्या में आपका हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या होती है, आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं जिसकी वजह से आपके अंडे नहीं बन पाते हैं, बनते भी हैं तो उसके आकार स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है। तीसरा जो रीज़न है गाइज वो है आपका मोटापा, बहुत ज़्यादा हेल्दी होना, मोटा होना, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना, बाहर का खाना, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपके आपका ओवुलेशन ना होना या अंडे का ना फूटना होता है। चौथा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज नहीं देते हो, यानी आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हो, आप जंक फूड खा रहे हो और बाहर की चीज़ें खा रहे हो और आराम से पड़े हुए हो, सोए हुए हो, आप अपनी बॉडी को बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, ना मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, तो आपकी बॉडी में क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और जिससे कि आपका वेट बहुत दिन पर दिन बढ़ते चले जाता है और आपको जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इशू है वो भी आना चालू हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा अभी के शोध में पता चला है कि एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। तो आपको एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, आपको स्वस्थ होना है तो, और अगर आप बेबी प्लान कर रही हैं तो विदाउट एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा या खान पान में अच्छा सा न्यूट्रिशन रखना, ये अगर आप नहीं करते हो तो आपको ये समस्या बहुत आम है और ये कभी ना ख़त्म होने वाली समस्या है। बहुत सारी महिलाएँ जो होती है वो अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है फॉलिकल स्टडी करवाती हैं जिसमें कि ये पता चलता है कि चलो इनके अंडे बन गए, अंडे की क्वालिटी भी ठीक है, लेकिन अंडे फूट नहीं रहे हैं, तो डॉक्टर क्या करती हैं उनको इंजेक्शंस देती हैं, इंजेक्शन के थ्रू उनके अंडे को फोड़ा जाता है। तो हर एक मेडिकली प्रोसेसिंग के लिए आप डिपेंडेंट हो रहते हो मेडिकली, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स जाना, बहुत ज़्यादा मेडिसिन जाना, इंजेक्शंस के जो भी आपके रोज होते वो जाना, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में और ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या होती है। तो सिर्फ ये एक ओवुलेशन का नहीं है, हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो बहुत तरह की समस्या पैदा होती है, जबकि PCOS, PCOD जितनी भी समस्या आप देख रहे हैं उसकी शुरुआत हार्मोन इम्बैलेंस ही होती है। तो हार्मोन इम्बैलेंस कैसे होती है, इसका सिम्टम क्या होता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे आप देख सकते हैं, अब जाके देखिएगा। एंड पिट्यूटरी ग्रंथि यानी फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन जो है वो जनरेट होता है, और वो LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो उत्पादन करता है, जो अंडाशय को नियंत्रित करता है, और यदि नियमित समय में तरीके से ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो ये बिल्कुल अंडाशय का कनेक्शन जो है, कनेक्टिविटी जो है, वो पिट्यूटरी ग्रंथि से सही से नहीं है, तो हमारा जो बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं ओवुलेशंस के वो होना बंद हो जाते हैं। अगर आपको डायबिटिक है तो भी आपके ओवुलेशन में इसका असर पड़ेगा ही, डायबिटिक की स्थिति में भी। ओडी है
एक कॉल आया था कुछ दिन पहले मेरे पास में, जिनको पीसीओडी था और वो 10 साल से उनको पीसीओडी है और शादी उनकी 1 साल पहले हुई है, और उनको पता था कि उनको पीसीओडी है लेकिन उनके घर वालों ने ये बोला कि शादी के बाद ठीक हो जाएगी, और जो आज के टाइम पे उनकी इनफर्टिलिटी की कारण बन चुकी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको पीसीओडी है और आपको कोई ये बोलता है ये शादी के बाद ठीक हो जाएगी, आगे जाके ठीक हो जाएगी, तो ये ऐसा नहीं होता है, ये ठीक नहीं होती है, ये आपको इसका ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। और पीसीओडी अगर आपने सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं किया, ये पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाती है, और पीसीओएस अगर आपको हो गया तो आपको डायबिटिक, थायराइड, आपको हेल्थ इश्यूज आनी चालू हो जाएगी। तो इसीलिए इसका समय रहते आप ट्रीटमेंट लीजिए, या अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेती हैं तो ये आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। हार्मोनल पिल्स लेती है, यानी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इस तरह की हार्मोनल पिल्स लेती है, उन महिलाओं को भी ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है, ओव्यूलेशन में उनके अंडे पर असर पड़ता है। तो अगर आप हार्मोनल पिल्स लेती हैं तो आप इसको एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा। दूसरी चीज़ है, जो महिलाओं को पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं वो भी हर महीने पीरियड्स के लिए मेडिसिन इंटेक करती हैं, और जब वो मेडिसिन खाती हैं तो उनको पीरियड्स आता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ओव्यूलेशन ना होने का। तो इतने सारे रीज़न है, अब आपको देखना है आप इसमें से कौन सी गलती कर रहे हो, है ना। तो अब बात करते हैं कि ओव्यूलेशन हमको नेचुरली हो इसके लिए हम क्या करें। तो पहला चीज़ है, आपको डेली 20 मिनट्स आपको जो है एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज आपकी थोड़ी सी हैवी होनी चाहिए, यानी आपको दौड़ना है, या आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें कि आपकी सांस जो है वो जल्दी जल्दी चले, यानी थोड़ा आप थकान महसूस हो, आपको पसीना आना चाहिए, ये आपको 20 मिनट करना है। आपको मेडिटेशन अगर आप करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्मोनल इंबैलेंस की समस्या है, या आपको बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है, बहुत पसीना आता है, बहुत लोगों को ठंड में भी पसीना आता है, गर्मी में ठंड लगती है, तो वो सिर्फ बुखार में नहीं होता है, ये भी आपको होता है, तो आप क्या करिए, आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से ये बहुत ज़्यादा इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो आपको ये चीज़ें करनी है। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, समय पे सोना है, आपको समय पे उठना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जो कि आपका मेडिटेशन जो है वो आपको कंट्रोल करेगी आपके स्ट्रेस को भी। चौथी चीज़ है, आपको रेडिएशन से दूर रहना है, यानी बहुत ज़्यादा मोबाइल को यूज़ नहीं करना, टीवी, लैपटॉप, जो भी आप यूज़ करते हैं जिससे रेडिएशन हमको मिलता है, वैसी चीज़ों से आपको दूर रहना है। और सबसे लास्ट, नॉट अ लिस्ट, बट आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना है। आपको डाइट जो है वो, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप कैसे मेंटेन करते हो, तो मैं आपको बता दूं, मैं जिम भी जाती हूँ लेकिन मैं जिम में डंबल एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मैं वो एक्सरसाइज करती हूँ जो मेरी हेल्थ के लिए सही है, जिसमें मुझे पसीना आए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कैलोरीज कम लेती हूँ, कैलोरी मैं कम ले रही हूँ, यानी फैट मैं कम ले रही हूँ। अगर मैं फैट कम ले रही हूँ तो डेफिनेटली मेरा मोटापा बढ़ेगा नहीं, और जो भी फैट मैं लेती हूँ वो मैं अपनी एक्सरसाइज के दौरान उसको मैं रिड्यूस कर देती हूँ। तो बिल्कुल आपको भी वही चीज़ करना, अगर आप बहुत ज़्यादा फैट कर लेती हैं, इंटेक करती है, यानी बटर, चीज़, ये सारी चीज़ें, तो आप टाइज भी उतनी ही करनी पड़ेगी। जो लोग शुगर लेते हैं उनको भी मैं वार्न कर दूँ कि ये भी आपकी बॉडी में फैट को जमा करता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको डाइट में बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो मैं कुछ डाइट जो नेचुरली आपके अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा आपका अंडा रप्चर, एवोकाडो जो है वो आपको अपने डेली रूटीन में लेना है। अगर आपके शहर में एवोकाडो आसानी से मिल जाता है तो डेफिनेटली लीजिए आप, और अगर नहीं मिलता है कोई बात नहीं, आप स्किप कर दीजिए, जो दूसरा मैं बताऊंगी आप उसको इंटेक करिएगा। तो एवोकाडो जो है वो विटामिन्स और मिनरल से भरपूर, एवोकाडो की गिनती जो होती है वो सुपर फूड में होती है। एवोकाडो को डाइट में शामिल करने से आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सुधार होता है। एवोकाडो को कई तरीके से आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। एवोकाडो का इस्तेमाल आप सलाद में कर सकते हैं, सैंडविच में कर सकते हैं, आटे में मिक्स करके गूंथ के आप उसकी रोटियां बना के खा सकते हैं, मैं खाती हूँ। तो आपको एवोकाडो को जरूर शामिल करना है, वो नेचुरली आपको हेल्प करेगी। अदरक यानी जिंजर, जिंजर आप हमारे सबके घर में बहुत आसानी से अदरक मिल जाती है। आप चाय में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जी में कर सकते हैं, जैसे भी आप अदरक को इस्तेमाल करके आप उसको इंटेक कर सकते। अदरक का इस्तेमाल को बहुत सारी बीमारियों को इलाज करने के लिए किया जाता है। इनफैक्ट जब हमको सर्दी खांसी भी होती है तो हमारी मम्मा जो है वो हमको अदरक ही देती हैं फॉर द काढ़ा बना के, या अदरक का जूस निकाल के, जो हमको बहुत नेचुरली बेनिफिट। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है अदरक।
पीरियड साइकिल को नियमित करता है, फर्टिलिटी को ये बढ़ाता है, फर्टिलिटी बूस्ट करता है। तो अदरक को आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनको बवासीर की समस्या है वो अदरक से थोड़ी दूर रहें, क्योंकि गर्म होता है, तो इसीलिए अदरक का इस्तेमाल अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो थोड़ा कम करिएगा। उसके बाद है दालें, रहर की दाल हो गई, मूंग मसूर की दाल हो गई, जो भी दाल आपके घर में है सब में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो दाल जो है उसको आप ऐड करिए अपनी डेली रूटीन में। एवन बॉल आपको दाल लेना ही लेना है, और अगर सुबह शाम आप लेती हैं तो और अच्छी बात है, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर। आपको इसमें एक मुट्ठी जो है वो ड्राई फ्रूट लेना है, स्पेशली एलमंड। एलमंड में क्या होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो एलमंड जो होता है बादाम, उसको आप रात में सोक करने पानी में रख दीजिए। सुबह में आपको 6-7 पीस जो है पर डे आपको ड्राई फ्रूट में आपको बादाम लेना है। आप अंजीर ले सकती हैं, है ना, तो ये चीज़ें आपको लेनी है। बाद है आपको हरी सब्जियाँ लेनी, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं आपको सबको इंटेक करना है। और आपको पता है जो बाहर फॉरेन कंट्री होती है वहाँ पर लोग हरी पत्तेदार सब्जियों को कैसे खाते हैं, उसमें ना वो मसाला डालते हैं ना वो तेल डालते हैं, वो उसको बॉयल खाना पसंद करते हैं ताकि उसकी जितनी भी विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो ख़त्म ना हो और वो उनके बॉडी को पूरी तरीके से मिले। और इसकी वजह से जो बाहर कंट्रीज के लोग हैं वो यंग ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि वो खाने में तेल मसाला बिल्कुल नहीं खाते, अवॉइड करते हैं। इनफैक्ट वो दिन में 2-3 बार वो एक्सरसाइज करते हैं, तो जिससे उनका शरीर जो है वो हेल्दी रहता है। तो इसीलिए गाइज, आप लोग अगर अपने अंडे की क्वालिटी को ठीक करना चाहते हैं तो आप इसको करिए। अब कुछ इलाज मैं आपको बता रही हूँ जो कि है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स जो होती है वो बिल्कुल मेडिसिन नहीं होती है, सप्लीमेंट्स वो होती है जो आपके शरीर में जिस भी विटामिन की कमी होती है आप वो विटामिन को इंटेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको विटामिन ई की ज़रूरत है, विटामिन डी की ज़रूरत है, फॉलिक एसिड की ज़रूरत है, है ना, तो आप इस तरह की सप्लीमेंट्स अपने डाइटिशियन से या अपने गायनोकोलॉजिस्ट से पूछ के भी ले सकती हैं कि आपको क्या सप्लीमेंट्स लेना है। और अगर अभी हाल फिलहाल में आपने अपना पैथोलॉजी टेस्ट करवाया है तो उसमें भी अगर आपने टेस्ट कराया होगा तो आपकी जो कमी होगी विटामिन्स की वो डेफिनेटली उसमें दिखाया गया होगा, तो आप उसको देख के भी उस मेडिसिन को इंटेक कर सकती है। तो सप्लीमेंट्स आप ले सकती हैं, सप्लीमेंट आप हमेशा ले सकती हैं, कैल्शियम ले सकती हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि मेडिसिन खाना, चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे वो एलोपैथ हो, वो आपको एक टाइम के बाद में थोड़ा सा इफेक्ट करता ही है, साइड इफेक्ट्स देता ही है, तो इसीलिए मैं मेडिसिन को प्रेफर नहीं करती हूँ गाइस। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो कि आपको क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ लेके मैं आप लोगों के पास आती रहूँगी, एंड आप लोगों का प्यार बस इससे बनाते रहिए। और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस, बहुत लोग इससे जूझ रहे हैं, तो जो भी लोग ऐसे हैं जी इस तरह की वीडियो की नीड है, आप प्लीज़ उनको मेरा वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी।